हेलो एवरीवन, चलिए मैं आपको आज मटर की कचौड़ी बताना बताती हूँ। बट ये मैं अलग प्रकार से बनाऊँगी मटर की कचौड़ी, जो बहुत ही टेस्टी एंड यमी बनेगी। ये मैं मटर एंड पनीर से बनाऊँगी। इसके लिए मैं सामान आपको बताती हूँ क्या क्या लगेगा। इसके लिए मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, इसको मैंने गार्निश कर लिया हुआ है, आप देख सकते हो कि मैंने इसको रेत लिया है, मैस नहीं किया है, रेतनी से रेता है। अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट ली हूँ 1 बड़ा चम्मच, एंड ये 250 ग्राम मटर है। आप लोग चाहो तो हरे मटर से बनाओ तो ज़्यादा टेस्टी तो लगेगा ही, बट अगर हरे मटर ना अवेलेबल हो तो फ्रोजन मटर से भी बना सकते हो, बट टेस्ट तो हरे मटर से ही आता है जो ताज़ा होता है। ये मैं मिक्सी ले ली हूँ, अब मैं इसको अच्छे से पीस लूँगी। बिना पानी डाले हमें इसको सिर्फ हल्का सा दरदरा पीसना है। आप लोग इसका ध्यान दीजिएगा, पानी का यूज़ इसमें नहीं होगा और हम लोग हल्का दरदरा ही पीसेंगे और कुछ भी हमें इसमें यूज़ नहीं कर रही हूँ। इसको मैं पीस लूँगी, इसके बाद मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने पीस लिया है, हल्का दरदरा ही है, आप देख सकते हो मैंने इसको बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसा हुआ है। अब मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। इसके लिए मैं जैसे गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी थी, थोड़ा सा मैंने इसमें तेल यूज़ किया है वह सरसों का, और जैसे ही तेल गर्म हो जाए इसमें मैं अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट डाल दूँगी जो हमने अभी बनाया हुआ था। और मसाले में जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून जाएगा जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून जाएगा गरम मसाला, एंड 1/2 टीस्पून जाएगा अमचूर पाउडर। बस यही 3 सामान जाएंगे इसमें, एंड नमक जाएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जो भी आप लोग जो भी आप लोग यूज़ कीजिएगा सारा का सारा रेशियो इक्वल ही रहेगा, हाफ हाफ हाफ। एंड इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम लोग इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा नमक कमी यूज़ कीजिएगा क्योंकि हम लोग कचौड़ी बना रहे हैं तो फिर सब्ज़ी या किसी के साथ खाएंगे तो उसमें भी तो नमक रहेगा, इसलिए थोड़ा सा कमी नमक यूज़ कीजिएगा। और फिर जैसे ही वो लाल हो गया था मैंने इसमें मटर डाल दिया, मटर के बाद मैंने इसमें मसाला डाल दिया। इसको हम लोग अच्छे से 5 मिनट तक भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पे मैं इसको बना रही हूँ, आप लोग इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, मैं हाई फ्लेम पे नहीं की हुई हूँ। और जैसे ही देखिए इसका कलर चेंज हो गया, मैं इसमें पनीर डाल दूँगी। जैसे क्या होता है ना कि मटर जो होता है हल्का सा गीला भी रहता है, तो जैसे आप लोग का सूख जाए अच्छे से खुशबू आने लगे तो आप लोग समझ लीजिए कि आपका मटर बन के तैयार है और इसमें फाइनल टच देने के लिए ये तैयार है। और मैं इसमें पनीर डाल दूँगी, पनीर के साथ मैं इसमें किशमिश यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए। आप लोग किशमिश को स्किप भी कर सकते हो, बट किशमिश डालोगे तो ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। फिर वो रेस्टोरेंट वाली स्टाइल, मतलब रेस्टोरेंट वाली फीलिंग आने लगेगी कि आप लोग रेस्टोरेंट में बैठ के कोई कचौड़ी खा रहे हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी, 2 मिनट सिर्फ हमें भूनना है। पनीर को हमें बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, आप देख सकते हो उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और निकालने के बाद हम इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद उसके बाद मैं इसका गोली बना लूँगी, जितना हमें कचौड़ी बनानी है उस हिसाब से हम लोग उसको गोली बना लेंगे। आप देख सकते हो मैंने गोली बना लिया है, ये मैंने 8 गोली बनाए हैं। अब हम इसको बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आटे की लोई ले लेंगे, थोड़ा सा रोटी से बड़ा एंड बाटी से छोटा, इतनी ही बड़ी हमें लोई चाहती है। आप देख सकते हो ये रोटी से थोड़ी बड़ी एंड बाटी से थोड़ी सी छोटी है, आप देख सकते हो इसका लोई। और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हम लोग बाटी में भरते हैं, हल्का सा आपको बीच में प्रेस दे करके उसको कटोरी का शेप दे देना है। आप देख सकते हो मैं कैसे दे रही हूँ, ऐसे ही आप लोग दे लोगे ना तो ये अच्छे से हो जाता है। और फिर इसमें मैं भर दूँगी जो हमने अभी बनाया हुआ था, थोड़ा सा मेरा टूट गया था इसलिए मैं थोड़ा सा फोड़ के डाल रही हूँ। आप लोग चाहो तो उसको ऐसे भी डाल दोगे ना तो भी हो जाएगा, बट मेरा क्या था ना कि वो थोड़ा सा टूट गया था इसलिए मुझे ऐसे डालना पड़ गया। आप देख सकते हो फिर मैं इसको क्या करूँगा कि अच्छे से नीचे के अंदर दबाते जाना है और ऊपर बंद करते जाना है। आप देख सकते हो मैं कैसे कर रही हूँ, ऐसे ही कर लेना है। और इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि कहीं से भी इसका मुंह खुला ना रहे। और फिर इसके बाद हम लोग इसको चकवा बना लेंगे, हमारे यहाँ इसको चकवा कहते हैं, आप क्या जो भी कहते हो। ये देख सकते हो कहीं से भी इसका मुँह नहीं खुला, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि मुँह ना खुला रहे। अगर मुँह खुला रहेगा तो हमारा जो कचौड़ी जो है वो छनते टाइम फट भी सकता है। अब मैं क्या करूँगी, इसको हल्के हाथ से हमें बेलना है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं प्रेस करके बेलना है, एकदम हल्के हाथों से आप लोग को बेलना है। इसका ध्यान दीजिएगा कि हल्के हल्के हाथों से इसको प्रेस करना है। ये देखिए हल्के हल्के हाथों से मैंने इसको बेल लिया है, इसको मैंने बहुत बड़ा नहीं बेला है, आप देख सकते हो कहीं से भी नहीं निकला हुआ है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि बेलते टाइम एंड स्टफिंग करते टाइम कहीं से भी ना निकले, नहीं तो हमारा तेल में डालते ही ये फट जाएगा। ये मैंने 4 बेल लिए हैं, मैं 4 आपको तल के दिखाती हूँ। और इसके लिए हमारा तेल जो होता है होना चाहिए वो हमेशा गर्म होना चाहिए, जिसका ध्यान दीजिएगा कि कभी भी आपका तेल ऐसा ना हो कि गर्म नहीं है, नहीं तो फिर वो अच्छे से बन नहीं पाता है। आप देख सकते हो मैंने एक धीरे से डाल दिया है और इसको धीरे धीरे मैं आपको जैसे दिखा रही हूँ ऐसे ही आप लोगों को करना है। ऐसे क्या होता है ना कि ये अच्छे से फूल जाता है, हल्के हल्के हाथों से ही कीजिएगा।
बहुत ज़्यादा प्रेस मत कर दीजिएगा, नहीं तो कट जाएगा और ये फट जाएगा। ये देखिए हमारा एक तल के तैयार हो गया है। मैंने इसको हल्का गोल्डन कलर का तला हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा इसको ऐसे ही खाते हैं, नहीं तो सब कहते हैं कच्चा है कच्चा है। और फिर उसके बाद मैं इसको दूसरा भी तल लेती हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ दूसरा भी तल करके। आप देख सकते हो इसको पलट पलट के अच्छे से सुनहरा गोल्डन होने तक इसको तलिएगा। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कुरकुरा टेस्ट आता है ना, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए हमारा दूसरा भी तल गया है, मैं इसको भी निकाल लेती हूँ। कलेरियों में इसको मटर पनीर के साथ सर्व की हूँ। ये देखिए हमारा मटर पनीर कितना जानदार दिख रहा है ना। और उसके साथ मैंने लिया है कचौड़ी, दो कचौड़ी। इसके साथ चाहे आप लोग मिर्ची का अचार, आम का अचार, सैलड भी यूज़ कर सकते हो, बट ये ऐसा ही इतना ही अपने आप में सफिशियंट भी है। मैं आपको इसको थोड़ा सा खोल के भी अंदर से इसका स्टैक से कितना यमी और टेस्टी दिख रहा है, पूरे अंदर कितने भरा हुआ है आप देख रहे हो। अंदर आप देख सकते हो कि अंदर ये मटर एंड पनीर का स्ट्रक्चर कितना टेस्टी और यमी दिख रहा है ना। इसको खाइए तो ये बहुत ही टेस्टी एंड यमी बना हुआ था एंड बहुत ही टेस्टी लगा भी था। आप लोग भी इसको जरूर ट्राई करना, नए प्रकार की कचौड़ी बनाना। एंड मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।